स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्याय 2 विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो आज हम विविध प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का। इसके आगे की जो प्रश्नावली 2.1 और 2.2 है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। आज हम विविध प्रश्नावली बताने वाले हैं। विविध प्रश्नावली का ये हमारा भागवन वीडियो है। भागवन वीडियो में जितने क्वेश्चन आएंगे उतने को सॉल्व किया जाएगा, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यानी कि भाग 2 में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर क्वेश्चन विविध प्रश्नावली से देखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैप्टर के विविध प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को 1x1 सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप अपनी तैयारी एक्सेलेंट तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है विविध प्रश्नावली का पहला। स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का। इसको हम देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित के मान याद कीजिए, इसके हमें मान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन सेम मैंने जैसे कि 2.1 और 2.2 में आपको ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, 2.2 में देखने को मिले होंगे, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, विविध प्रश्नावली का मतलब दोनों चैप्टरों को मिला करके, यानी कि 2.2 और 2.1 का मिला करके सारा क्वेश्चन इसमें करके देता है, जो कि आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड भी है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन हम आज बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस को बाहर करेंगे, तो इसको हमें ऐसे तरीके से लिखना है, ऐसा इसको एक रूप देना है जिससे ये मतलब प्लस करके या फिर माइनस करके वही चीज़ आ जाए। ठीक है, तो इसको हमें एक तरीके से लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2π प्लस पाई बाई 6। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए समझिए, ये इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 × 12 हो जाएगा, और प्लस इसको करेंगे तो 13 × 6, तो यही हमारा मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ें समझिए। यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि कॉस 90 − θ क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कॉस 2π − θ क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब क्यों होगा, ये 2π समझ रहे हैं क्या है, ये 2π, ये 2π समझ लिए, पाई का मान होता है 180, कितना होता है 180, तो इसमें इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, तो यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर समझ लीजिए 360 है। ठीक है, तो कॉस 360 − θ होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि कॉस 360 − θ बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस π/6। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक में है तो ये कॉस इनवर्स कोष्टक से बाहर करेंगे तो हमारा बचेगा π/6। ठीक है, इतना बचेगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे π/6, और यही इस क्वेश्चन का ये क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्नावली से क्वेश्चंस जरूर फंसते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए। आगे का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है tan−7π/6। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये भी सेम वैसे ही है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे tan−1, यहाँ पे हो जाएगा tan, इसको हम लिखेंगे π + π/6। ठीक है, इसको हम यूँ लिखेंगे, इसको देखिए इस पे इसमें गुणा करेंगे तो ये 6π + 7, तो 7π/6, तो वही रूप आ जा रहा है, तो हमको वही कर यहाँ पे यही लिखना है
जो यहाँ पर जोड़ने घटाने पर ये वाला हमारा मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना है, आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, टेन 180 प्लस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है। यदि यहाँ पर 90 रहता तो वहाँ पे बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे 180 है, पाई का मान कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो टेन 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेन पाई बाई सिक्स, ठीक है। आगे देखेंगे, टेन इनवर्स टेन पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो टेन को हम कॉमन करेंगे, बाहर करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो ये टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा पाई बाई सिक्स, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, बस आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, एक बार जब हम बता देते हैं तो उसको देखने के बाद आप लोग अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जब आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाता है तो आप लोग अपने आप से प्रयास कीजिए कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि कर पा रहे हैं तब तो बेस्ट है, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप वही क्वेश्चन को देख के फिर से लगाइए, ठीक है। बिना देखे मत लगाइए, देख करके लगाइए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को पकड़िए, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार लगाइए, ठीक है। दो तीन बार जब लगाएंगे ना तो आपको उस क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, ठीक है, और आपके माइंड में भी सेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा माइंड जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को समझता है। तो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाने की आदत डालिए, आप लोगों को क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, इसमें आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो साइड दे दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष आपको दे दिया गया है। तो आपको इसमें से एक उठाना है और एक को सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उठाना है और राइट हैंड साइड सिद्ध करके दिखाना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा हम वो देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूले भी यहाँ पर पुट करने होंगे, ठीक है। कुछ फार्मूले आपको याद करने होंगे, तो फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसमें निभा रहा है इस प्रश्नावली में, क्योंकि ये प्रश्नावली जो है वो बिना फार्मूले का नहीं लगने वाला, ठीक है। तो फार्मूला आप लोगों को याद होना ही चाहिए। इस विविध प्रश्नावली में कुछ फार्मूले हैं जो लगने वाले हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ फार्मूले हैं जो ये लगने वाले हैं, इस वाले क्वेश्चन में यही फार्मूला पुट होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये कुछ चार फार्मूले हैं जो इसी प्रश्नावली में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। यहाँ पर टेन इनवर्स दिया हुआ है ना, तो जहाँ पर अगर यहाँ पर टेन इनवर्स दिया है तो हमको इसको टेन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको टेन का फार्मूला लगाना है यहाँ पर। जब यहाँ पर जो दिया रहता है हमको उसी का फार्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उसको छोड़िए, यहाँ पर समझिए, ठीक है। ये देखिए इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम यक्स मानेंगे, ठीक है। टू को छोड़ दीजिए, इतने को हम क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। बस बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। ये लिखेंगे साइन इनवर्स तीन बटे के पाँच, ठीक है। इसको हमें कुछ मानना है, यक्स मानिए, ए मानिए, थीटा मानिए, जो भी मानिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे यक्स मानेंगे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम यक्स मानेंगे और उसके बाद देखेंगे इस साइन को हम इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा तीन बटे के पाँच और ये हो जाएगा साइन यक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन यक्स, और साइन यक्स का मान कितना आ गया हमारा, तीन बटे के पाँच आ गया, ठीक है। ये हमारा साइन यक्स का मान है, ठीक है। अब हमें टेन बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए ये टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है, ये होता है ना। तो हमें टेन, यहाँ पर टेन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें साइन तो मिल गया, ठीक है, हमें कॉस बनाना है। तो कॉस बनाने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, यहाँ पर समझिए, होता है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये होता है। आप लोग क्लास नाइन्थ से ही पढ़ते आ रहे हैं इन सब फार्मूले को, तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यदि हम वर्ग को हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे हम साइन एक्स का मान रखेंगे, ठीक है, साइन एक्स का मान रखेंगे तो हमारा कॉस एक्स का मान मिल जाएगा, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू
यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। और ये वर्ग लगाएंगे क्योंकि इस पे है, इस तरीके से रखेंगे। अब ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसको हम वर्ग करेंगे, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होता है तो 9 होता है और इसका 25 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, तीजे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है। तो 16/25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये कॉस एक्स जो है ये इसका हम कणी को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, तो ये हमारा कॉस एक्स का भी मान मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, ये वाला जो फार्मूला है इसको रखना होगा, टेन बनाना होगा, ठीक है। तो हम टेन रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपन कॉस एक्स, ठीक है। तो अब हम साइन एक्स और कॉस एक्स का मान रखेंगे। ये जो कॉस एक्स है और यहाँ पे जो हमने पहले निकाल रखा है, ये देखिए साइन एक्स, इसका मान हम रख करके टेन एक्स का मान निकालेंगे। तो आइए रखते हैं, ये हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू 3/5, ये साइन एक्स का मान है और कॉस एक्स का मान 4/5, ठीक है। तो इस तरीके से रखेंगे, ये हमारा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, टेन एक्स बराबर 3/4, ठीक है। ये हमारा टेन एक्स का मान है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स के बराबर लाएंगे तो ये हो जाएगा, टेन एक्स को इधर लाएंगे तो टेन को बस लाएंगे तो टेन बराबर टेन 3/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एक्स बराबर टेन इनवर्स 3/4 है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्स बराबर साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है। तो ये दोनों के क्या है, एक्स के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। क्योंकि ये भी एक्स के बराबर है और ये भी एक्स के बराबर है, तो यानी कि हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमें इसको लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम इसी को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब इसकी जगह पे हमें क्या रखना होगा, इस पूरी की जगह पे, 2 की जगह पे नहीं, ठीक है, सिर्फ इसकी जगह पे। तो इसकी जगह पे देखिए क्या है, 10 इनवर्स 3/4 है, तो यही हम लिखेंगे 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। तो ये हमारा, अब यहाँ से हमें फार्मूला पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हम 10 इनवर्स में इसलिए लाए हैं कि क्योंकि 2 साइन इनवर्स का कोई फार्मूला होता ही नहीं है, इसका फार्मूला कोई नहीं होता है, लेकिन 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको इस रूप में लाना पड़ा है ताकि हम फार्मूला को पुट करके इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो फार्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं। फार्मूला मैंने जैसे पहले ही आपको दिखा दिया था, 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 2x 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ी सी त्रुटि हो गई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 इनवर्स भी रहेगा, ठीक है, 10 इनवर्स रहेगा, ठीक है। ये वाला जो 2 है यहाँ पे है और 10 इनवर्स ये है, और यक्स जो है यक्स की जगह पे ये पूरा का पूरा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम, इसकी जगह पर हम ये रखेंगे, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो 2 है 2 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ये यक्स का मान क्या है, 3/4 है, तो 3/4 करेंगे अपान 1 माइनस 3/4, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक्स के स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2, यहाँ पे 10 इनवर्स रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16, ठीक, इसका वर्ग करेंगे तो 9/16 हो जाएगा।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 16 माइनस, आपको दिख नहीं रहा था सॉरी, तो ये हो जाएगा 16 - 9/16। ठीक, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 3/2 और 16 में से 9 जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 7/16। ठीक, क्लियर है, ये हमारा टेन इनवर्स है। ठीक है, अब इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखेंगे 10 इनवर्स 3/2। ठीक है, और इसको जो नीचे वाला जो है उसको हम उल्टा कर देंगे तो ये 16/7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, अब बचेगा क्या, 10 इनवर्स 8 + 3 = 24 होता है। ठीक है, 1/7। अब थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन पर नज़र मारिए, हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए 10 इनवर्स 24/7 हमको यही लाना था, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड है, तो इसको हम लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, प्रूफ्ड भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, जो भी आप लोगों को सही लगे, जैसा भी चाहें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 4 नंबर देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है हम वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा साइन इनवर्स दिख रहा है ना, इसको हमें 10 में चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, 10 में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 10 इनवर्स। जहाँ पर 10 इनवर्स दिया रहता है जिस क्वेश्चन में, उसी को हमें क्या करना रहेगा, उसी का फार्मूला लगेगा। तो उसका फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या है, इसको इन दोनों को हमें 10 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोग बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ देखिए, बहुत ही आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, हम बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। तो जैसा कि हम आपको पहले ही दिखा देते हैं, ठीक है, तो ये होगा 10a + 10b / 10b/1 - 10a × 10b। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें कोई भी साइन या कुछ है ही नहीं साइन, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 10 बनाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा 10 इनवर्स है, तो आप लोग समझ जाइए कि इसको हमें 10 में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉमन सेंस भी लगाइए ताकि आप लोगों को सवाल लगाने आ जाए और आप लोग सवाल में मैथमेटिक्स में क्या हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, तो एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस पे पढ़ रहे हैं तो एक्सेलेंट तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक को लेके चलेंगे, अभी इसको अभी हम 10 बनाएंगे, अभी इसको नहीं बनाएंगे, अभी इसको लेके बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स ए थीटा कुछ भी मान सकते हैं, चलिए हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 8/17 = a। ठीक है, इस तरीके से आपको मानना है, अब ये साइन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 8/17 sin a, क्या हो जाएगा, साइन ए। तो साइन ए का मान कितना आ गया, 8/17। ठीक है, ये हमारा साइन ए का मान है। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 में परिवर्तित करने के लिए, 10 का होता है sin/cos। ठीक है, तो वहाँ से हम 10 प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कॉस भी लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉस को लाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही फार्मूला बताया, कॉस इसको भी हम ए लिखेंगे क्योंकि इसमें एक्स का नहीं कोई बात है, यहाँ पे साइन ए है तो हम यहाँ पे भी कॉस ए लिखेंगे। तो ये फार्मूला है जिससे हम एक्स ए का मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम साइन का मान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - साइन का मान क्या है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए साइन ए का मान है 8/17। ठीक है, तो इसी को हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 8/17। ठीक है, और वर्ग कर देंगे क्योंकि इस पर साइन स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू √1 - यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 17 का होता है 289। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्ग भी याद रहना चाहिए तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसका तीजे गुणा करेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, इसका ऐसा तीजे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
289 माइनस 64, ठीक है, ये हो जाएगा बट्टे के 289। ठीक, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये हमारा बच जाएगा 225 माइनस 289। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये देखिए कॉस ए इज इक्वल टू 25 किसका वर्ग है, तो 25 कितना 15 का है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और 289 किसका है, तो ये 17 का है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कॉस ए का मान निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे साइन ए का मैंने मान निकाल रखा है और यहाँ पे कॉस ए का मान निकल चुका है, तो अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम टेन वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें टेन ही तो प्राप्त करना है, टेन से ही हमें फार्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, तो टेन बनाने के लिए हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें टेन प्राप्त करना है, तो यहाँ पर टेन ए हो जाएगा इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू हम रखेंगे, ये होता है 8/17, तो ये हो जाएगा 8/17 अपान, ये कॉस ए का है तो कॉस ए का मान यहाँ पर देखिए ये है 15/17, तो ये हो जाएगा 15/17। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 17 से 17 कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 8/15, तो ये हमारा टेन ए का मान हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टेन ए का मान निकल के आ चुका है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब यहाँ पर देखिए समझिए, ये क्वेश्चन जो है अभी हम इसी को लेकर चल रहे थे, ठीक है, राइट, तो इसको हमने 10 बना दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको लेके चलेंगे, इसको हम लेके चले थे, इसको हम a माने थे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या माने थे, a माने थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका तो 10 बन चुका है, लेकिन अब हमें इसको 10 बनाना है। ठीक है, इसको भी कुछ ना कुछ मानेंगे, तो इसको भी हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम a माने थे, तो इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, a भी हम मान रहे हैं, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, आप एक्स वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बी मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखें, लिखेंगे माना साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, ये देखिए मैंने इसी को उठाया है, इसी को माना है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 बराबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। अभी साइन को इनवर्स को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू साइन बी। अब साइन बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइन बी का मान निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना है, कॉस बी निकालना है। ठीक है, तो कॉस बी निकालने के लिए हम फार्मूला यही लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ से कॉस बी का मान निकालेगा, ये हो जाएगा साइन कॉस बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान ये है, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक, हो जाएगा कॉस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। ठीक है, 3 का वर्ग 9 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस बी इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी इज इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16/25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कॉस बी, 16 का कितने का वर्ग है, ये 16 और 25, तो 4 का वर्ग है 16 और 5 का वर्ग है 25, तो यहाँ से आप कॉस बी का भी मान प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, टेन बी प्राप्त करना है, तो हम टेन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन बी अपान कॉस बी। ठीक है, तो साइन बी का मान कितना है, साइन बी का मान यहाँ पर देखिए 3/5 है और कॉस बी का मान देखिए यहाँ पर 4/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे टेन बी, साइन बी का मतलब 3/5 अपॉन 4/5। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टेन बी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, यहाँ पर टेन बी का भी मान निकल के आ चुका है, अब हमें सिर्फ फार्मूला पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए करते हैं, स्टूडेंट से ही हमारा फार्मूला है जो कि इसी को हमें पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
जितना भी 10a और 10b का मान हम निकाले हैं अब इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। 10a प्लस बी, ठीक है, इसको अभी ऐसे रखेंगे। 10a का मान कितना निकाले हैं वो देख लीजिए, यहाँ पर 10a का मान 8/15 है, ठीक है, और 10b का मान 3/4 है, ठीक है, तो वही हम पुट करेंगे। यहाँ हो जाएगा 8/15 प्लस 3/4, ठीक है, अपान 1 माइनस 8/15 गुना 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से हम रखेंगे मान को, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका तिरेक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 32 प्लस 15 × 45, और ये 15 × 60 होता है। अब इसमें इसका तिरेक गुणा करेंगे तो 15 × 60 माइनस 8 × 24, ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 10a प्लस b भी साथ में ही है, तो यहाँ पे देखिए ये 60 कट जाएगा, तो इसको हम माइनस और प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 32 में 45 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77, और इसमें से इसका माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जो 10 है ना इसको हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ठीक है, इधर आएगा तो ये 10 इनवर्स उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77/36, ठीक। अब यहाँ पर समझिए यही आपको क्वेश्चन में लाना था, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये देखिए 10 इनवर्स 77/36 यही आपको लाना था, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप a प्लस बी का मान भी रख सकते हैं, ठीक है, तो वो रख लेते हैं, देखते हैं a प्लस बी का मान क्या है। ये देखिए मैंने a यहाँ पे मान रखा है, साइन इनवर्स 8/15 को a मान रखा है, ठीक है, जैसा कि इसको मैंने a मान रखा है, ठीक है, और इसको b मान रखा था, ठीक, तो इन्हीं को हम उठा करके रख देंगे। इसको मैंने a माना है तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 8/17 हो जाएगा, और b हमने माना है तो वो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए साइन b माने हैं 3/5, तो इसी को हम उठाकर वहाँ पर रखेंगे। साइन इनवर्स 8/17 प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और बी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 10 इनवर्स 77/36, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूफ होता है, यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए ये पूरा आपका क्वेश्चन जो है प्रूव हो चुका है, इसी प्रकार क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ताकि आपके पूरे अंक मिल सकें। ये क्वेश्चन शायद 4 या 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो विविध प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर उसको सॉल्व कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम भाग 2 में बताएंगे। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो तब तो बेस्ट है, यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। यदि समझ में आया है तब तो बेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आप विविध प्रश्नावली के भाग 2 वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं।